हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विजावा सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम टेस्ट एंड जी टेस्ट केसेस में एक्सेल फाइल से टेस्ट डेटा कैसे इंजेक्ट करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेस्ट एंड जी में पैरामीटराइजेशन क्या होता है। तो टेस्ट एंड जी में पैरामीटराइजेशन के थ्रू हम टेस्ट केसेस में हम टेस्ट डेटा को हम कोड के थ्रू पास कर सकते हैं। टेस्ट डेटा को हम हार्ड कोड नहीं करते हैं, हम टेस्ट डेटा को हम कोड के थ्रू पास करते हैं टेस्ट मेथड में। तो पैरामीटराइजेशन यूज करके हम टेस्ट एनजी में टेस्ट डेटा को हम कोड के थ्रू पास कर सकते हैं टेस्ट केसेस में। अब टेस्ट एनजी में पैरामीटराइजेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है टेस्ट एनजी पैरामीटर और दूसरा है टेस्ट एनजी डेटा प्रोवाइडर। टेस्ट एनजी पैरामीटर्स एंड टेस्ट एनजी डेटा प्रोवाइडर, इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज के सेशन में हम इन दोनों टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है टेस्ट एनजी पैरामीटर्स। टेस्ट एनजी पैरामीटर्स एनेबल अस टू पास द वैल्यू ओनली वंस पर एग्जीक्यूशन साइकिल। टेस्ट एनजी पैरामीटर यूज करके हम वैल्यू को हम सिर्फ एक ही बार पास कर सकते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल में। टेस्ट एनजी पैरामीटर एनेबल्स अस टू पास द वैल्यू ओनली वंस पर एग्जीक्यूशन साइकिल। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए हमारे पास है टेस्ट एनजी डेटा प्रोवाइडर। अब टेस्ट एनजी डेटा प्रोवाइडर यूज करके हम मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं टेस्ट मेथड में एक एग्जीक्यूशन साइकिल में। डेटा प्रोवाइडर इन टेस्ट एनजी अलाउज अस टू पास मल्टीपल पैरामीटर्स टू अ सिंगल टेस्ट इन अ सिंगल एग्जीक्यूशन। एक ही एग्जीक्यूशन में हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं टेस्ट मेथड को। यूजिंग डेटा प्रोवाइडर वी कैन इजिली पास मल्टीपल वैल्यूज टू अ टेस्ट इन जस्ट वन एग्जीक्यूशन साइकिल। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेस्ट एनजी पैरामीटर और टेस्ट एनजी डेटा प्रोवाइडर में क्या डिफरेंस है। अब आज के सेशन में हम टेस्ट एनजी डेटा प्रोवाइडर मेथड यूज करेंगे, और टेस्ट एनजी डेटा प्रोवाइडर में हमारा जो डेटा का सोर्स होगा वो होगा एक्सेल फाइल। हम टेस्ट डेटा को हम एक्सेल फाइल में स्टोर करेंगे और एक्सेल फाइल को रीड करेंगे हम टेस्ट डेटा को फेच करने के लिए। तो आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से हम टेस्ट एनजी डेटा प्रोवाइडर टेस्ट एनजी में हम एक्सेल फाइल से हम अपने टेस्ट डेटा को रीड करेंगे और टेस्ट एनजी डेटा प्रोवाइडर मेथड यूज करेंगे टेस्ट केसेस को पैरामीटराइज करने के लिए। तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल करने के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने क्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। मैंने इसमें एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है टेस्ट एनजी के नाम से। सेलेनियम वेब ड्राइवर मैनेजर और टेस्ट एनजी तीनों ही कॉन्फिगर किया हुआ है। पॉम डॉट एक्सएमएल में वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी, सेलेनियम की डिपेंडेंसी और टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी, तीनों की डिपेंडेंसी एड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर मैनेजर और टेस्ट एनजी कैसे कॉन्फिगर करते हैं, इसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक फोल्डर है SRC टेस्ट जावा फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर एक पैकेज है testng.testng पैकेज। इस पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास। अब यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं टेस्ट एनजी, या ऐसे लिख देते हैं डेटा प्रोवाइडर विथ एक्सेल। क्लास का नाम हमने दे दिया डेटा प्रोवाइडर विथ एक्सेल, और इसमें हमें मेन मेथड ऐड नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट एनजी में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन फंक्शन नहीं चाहिए होता। तो हमने सीधा फिनिश पे क्लिक कर दिया और हमारी क्लास क्रिएट हो गई डेटा प्रोवाइडर विथ एक्सेल के नाम से। अब आज के प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम एक टेस्ट सिनेरियो लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले एक वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हम वेब ड्राइवर के उस ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट मेथड्स में यूज कर सके। इस क्लास के अलग अलग मेथड्स में हम सेम ऑब्जेक्ट यूज कर सके। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा वेब ड्राइवर ड्राइवर। यहाँ पे हमने वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, साथ साथ इसका हम पैकेज भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब इस क्लास के अंदर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं सेटअप करने के लिए, जिसमें हम क्रोम ब्राउजर को लॉन्च करेंगे और URL को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमने दे दिया मेथड का स्टेटमेंट। मेथड क्रिएट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक void, और फिर हम देंगे मेथड का नाम। मेथड का नाम दे दिया हमने सेटअप, और इसमें सबसे पहले हमें लॉन्च करना है क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने के लिए हम वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट होगा वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप।
नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें ड्राइवर को हमें इंस्टेंशिएट करना है, इसको हमें मेमोरी एलोकेट करनी है. ड्राइवर इक्वल न्यू क्रोम ड्राइवर, और साथ में क्रोम ड्राइवर का भी पैकेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं. अब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यूआरएल ओपन करना है. तो यूआरएल ओपन करने के लिए हमारा स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट, और यहां दे देते हैं कंप्लीट यूआरएल, हमने एंटर कर दिया HTTP डबल स्लैश, और यहां हमने दे दिया कंप्लीट यूआरएल. अब यूआरएल ओपन करने के बाद हम ऐसा करते हैं, हम ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर लेते हैं. तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, हमने ब्राउजर भी मैक्सिमाइज कर लिया. तो ये हमारा सेटअप मेथड कंप्लीट हो गया. अब ये जो सेटअप मेथड हमने क्रिएट किया है, इस सेटअप मेथड को हमें कॉल करना है हर टेस्ट मेथड के पहले. सेटअप मेथड को हमें एग्जीक्यूट करना है हर टेस्ट मेथड के पहले. तो उसके लिए यहाँ पे हम कौन सा एनोटेशन यूज करेंगे, टेस्ट इंजन एनोटेशन यूज करेंगे, एट द रेट बिफोर मेथड एनोटेशन. इसका भी पैकेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं, टेस्ट इंजन एनोटेशन का पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया. अब यहाँ पे हम स्टार यूज करते हैं जिससे कि सारे एनोटेशन के लिए हमें बार बार ये पैकेज इंपोर्ट ना करना पड़े. डॉट के बाद हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया. अभी एनोटेशन के अंदर जितने भी क्लासेस होंगी हम सारी क्लासेस यहाँ पे हमारी इंपोर्ट हो गई. अब चूंकि इस मेथड के ऊपर हमने एट द रेट बिफोर मेथड एनोटेशन यूज किया है, तो ये वाला जो सेटअप मेथड है वो हर टेस्ट मेथड के पहले एग्जीक्यूट होगा. अब बिफोर मेथड के बाद हम एक आफ्टर मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं. तो जब टेस्ट मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम ड्राइवर को क्विट कर देंगे. पब्लिक वॉइड क्विट ब्राउजर, क्विट ब्राउजर या आप टेयर डाउन भी लिख सकते हो, टेयर डाउन मेथड. और यहां पे हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट क्विट, जिससे कि हमारा ब्राउजर क्लोज हो जाए और ड्राइवर क्विट हो जाए. ड्राइवर डॉट क्विट. अब इसके बाद हमें टेस्ट मेथड क्रिएट करना है सर्च ऑपरेशन के लिए. गूगल वेब पेज पे सर्च ऑपरेशन के लिए हमें टेस्ट मेथड क्रिएट करना है. तो ये यूआरएल ओपन होने के बाद हमें सर्च बॉक्स में हमें एंटर करना है हमारा सर्च कीवर्ड. तो इसको मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट करते हैं ताकि इस वेब एलिमेंट को हम फाइंड कर सकें. तो ये इंस्पेक्ट किया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्लास गिवन है. तो हम ऐसा करते हैं, बाय डॉट क्लास नेम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यूज करके सर्च वेब एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे. लोकेटिंग स्ट्रेटेजी कौन सी यूज कर सकते हैं हम, बाय डॉट क्लास. बाय डॉट क्लास लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम सर्च को हम सर्च बॉक्स को हम फाइंड कर सकते हैं. तो इसको मैंने कॉपी कर लिया. हम चाहें तो बाय डॉट नेम भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट भी गिवन है. तो हम चाहें तो क्लास एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं या फिर हम नेम एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं. तो हम क्लास यूज करें या नेम यूज करें, हमें हमारा एम है इस वेब एलिमेंट को फाइंड करना. तो हम बाय नेम भी यूज कर सकते हैं, तो हम नेम की वैल्यू इसमें गिवन है क्यू. तो हम ऐसा करते हैं बाय नेम ही यूज कर लेते हैं. अब इस वेब एलिमेंट को सर्च करने के बाद, फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें सर्च कीवर्ड एंटर करना है. उसके बाद हमें एंटर की प्रेस करना है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट किया ताज महल, अब सर्च बॉक्स में ताज महल कीवर्ड एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एंटर की प्रेस करेंगे जिससे कि हमारा सर्च रिजल्ट ओपन हो जाए. तो ये दो एक्शन करना है, इस सर्च बॉक्स में हमें सर्च कीवर्ड एंटर करना है, उसके बाद हमें एंटर की हिट करना है. तो इन दोनों एक्शन के लिए यहाँ पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं. तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक वॉइड, फिर टेस्ट मेथड का नाम, टेस्ट मेथड का नाम दे देते हैं सर्च कीवर्ड. अब सर्च कीवर्ड इस मेथड में हमें क्या करना है, गूगल के वेब पेज पे जो भी हम कीवर्ड एंटर करेंगे उस कीवर्ड को सर्च करना है. तो वो कीवर्ड कहाँ से आएगा, तो वो कीवर्ड हमें इस
इस मेथड को मिलेगा पैरामीटर के थ्रू। तो यहाँ पे हम इस मेथड को पैरामीटराइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, वेरिएबल का नाम दे देते हैं सर्च डेटा, या कीवर्ड दे देते हैं, कीवर्ड दे दिया हमने पैरामीटर का नाम। तो इस कीवर्ड में जो भी कीवर्ड आएगा, इस कीवर्ड को गूगल के वेब पेज पे हमें सर्च बॉक्स में एंटर करना है और इस कीवर्ड को हमें सर्च करना है। तो अब हम सबसे पहले इस मेथड में हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट होगा कि हमें सर्च बॉक्स को फाइंड करना है, जिससे कि हम उस सर्च बॉक्स में कीवर्ड एंटर कर सकें और हम एंटर की हिट कर सकें, एंटर की प्रेस कर सकें, ताकि हमें सर्च रिजल्ट मिल पाए। तो सबसे पहले हमें सर्च वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। तो हम एक वेब एलिमेंट सर्च बॉक्स, तो हमने एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, साथ में इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। और अब हम वेब सर्च बॉक्स वेब एलिमेंट को हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और बाय डॉट नेम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे नेम की वैल्यू है क्यू, यहाँ पे हमने डबल कोट्स में क्यू एंटर कर दिया। यहाँ हमने वेब एलिमेंट को फाइंड कर लिया, इस स्टेटमेंट को यूज करके हमने सर्च बॉक्स वेब एलिमेंट को फाइंड कर लिया और वेब एलिमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, सर्च बॉक्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब वेब एलिमेंट में हमें एंटर करना है इस कीवर्ड को। तो किसी भी टेक्स्ट को एंटर करने के लिए हम सेंड कीज मेथड यूज करते हैं। सर्च बॉक्स वेब एलिमेंट का नाम डॉट सेंड कीज, सर्च बॉक्स डॉट सेंड कीज। तो इस वेब एलिमेंट में हमें सेंड कीज मेथड यूज करके हमें इस कीवर्ड को एंटर करना है। तो कीवर्ड हमने यहां पे एंटर कर दिया। अब कीवर्ड एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, हमें हिट करना है एंटर की। तो उसके लिए भी सेंड कीज, और सेंड कीज में हमें क्या करना है, हमें एंटर की प्रेस करना है। तो यहां पे हम राइट करते हैं कीज डॉट एंटर, कीज डॉट एंटर। तो इसके बाद क्या होगा, हमारा सर्च रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा गूगल के वेब पेज पे। कीवर्ड एंटर कर दिया हमने, अब जो भी कीवर्ड यहाँ पे पास होगा, जो भी यहाँ पे पैरामीटर मिलेगा इस मेथड को, वो मेथड सर्च बॉक्स में एंटर हो जाएगा और उसके बाद हम एंटर की हिट कर देंगे। तो सर्च कीवर्ड का हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब ये जो मेथड हमने क्रिएट किया है, ये एक टेस्ट मेथड है। तो हमें इस मेथड को टेस्ट मेथड डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे हम एट द रेट टेस्ट एनोटेशन यूज करेंगे, जिससे कि टेस्ट एनजी को पता चल जाए कि ये जो मेथड है ये एक टेस्ट मेथड है, इसको एज अ टेस्ट एग्जीक्यूट करना है। अब ये जो टेस्ट मेथड हमने क्रिएट किया है, सर्च कीवर्ड टेस्ट मेथड, ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, कीवर्ड पैरामीटर। सर्च मेथड को ऑपरेट करने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए ये पैरामीटर चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसको पैरामीटराइज करना है। तो पैरामीटराइज करने के लिए हम डेटा प्रोवाइडर मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे एट द रेट टेस्ट मेथड के बाद यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना है, एट्रीब्यूट का नाम है डेटा प्रोवाइडर। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे हम राइट करेंगे डेटा प्रोवाइडर इक्वल्स, और यहाँ देंगे हम डेटा प्रोवाइडर का नाम। तो यहाँ डेटा प्रोवाइडर का नाम हम ले लेते हैं सर्च डेटा प्रोवाइडर। अब हमें इस टेस्ट मेथड को डेटा प्रोवाइड करने के लिए हमें एक डेटा प्रोवाइडर मेथड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम एक डेटा प्रोवाइडर मेथड क्रिएट कर लेते हैं, और जो डेटा प्रोवाइडर मेथड होता है वो हमेशा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एरे रिटर्न करता है। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एरे। तो यहाँ हमने टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एरे हमने रिटर्न कर दिया, और फिर हम देंगे मेथड का नाम सर्च डेटा प्रोवाइडर मेथड, दे दिया हमने मेथड का नाम। अब चूंकि ये एक डेटा प्रोवाइडर मेथड है, तो हमें इस मेथड को डिक्लेयर करना है कि ये एक डेटा प्रोवाइडर मेथड है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एट द रेट डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन, एट द रेट डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन हमने यूज कर लिया, और ब्रैकेट में देंगे हम इस डेटा प्रोवाइडर का नाम, नेम इक्वल्स। अब जो नाम हमने यहाँ पे, हम जो नाम देंगे एग्जैक्टली वही नाम हमें यहाँ पे एट द रेट टेस्ट डेटा प्रोवाइडर में हमें देना है। तो यहाँ पे चूंकि हमने सर्च डेटा प्रोवाइडर नाम यूज किया है, तो हम सेम यही नाम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब ये टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा
तो इस टेस्ट मेथड को डेटा प्रोवाइड करने के लिए टेस्ट एनजी ये वाला डेटा प्रोवाइडर यूज करेगा। तो ये वाला डेटा प्रोवाइडर हमें कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा। तो इसलिए ये नाम और ये नाम सेम होना चाहिए, तभी इस मेथड को यूज करके इस टेस्ट मेथड को हम पैरामीटराइज कर पाएंगे। तो हमने एक डेटा प्रोवाइडर मेथड क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हमने एट द रेट डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन यूज किया और डेटा प्रोवाइडर का हमने यहाँ पे नाम भी दे दिया। अब ये मेथड रिटर्न करेगा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एरे। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट कर लेते हैं टू डायमेंशनल, जिसमें हमारा सर्च डेटा स्टोर्ड होगा। तो हमारा स्टेटमेंट होगा ऑब्जेक्ट, ये टू डायमेंशनल एरे है, और दे देते हैं एरे का नाम, दे दिया सर्च डेटा इक्वल्स न्यू, और इसमें हम डायमेंशन ले लेंगे, इसमें हम डायमेंशन ले लेते हैं टू रोज एंड वन कॉलम, टू रोज एंड वन कॉलम। अब इसमें हमें डेटा स्टोर करना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो में डेटा स्टोर करते हैं, सर्च डेटा। अब इसमें रो की इंडेक्सिंग जीरो से होती है, जो फर्स्ट रो है उसका इंडेक्स है जीरो और जो फर्स्ट कॉलम है उसका इंडेक्स भी है जीरो। तो सबसे फर्स्ट रो में हम डेटा एंटर कर रहे हैं, तो इंडेक्स हो गया जीरो फर्स्ट रो के लिए और फर्स्ट कॉलम के लिए भी जीरो इक्वल्स, और यहां हम दे देते हैं ताज महल, लास्ट में सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड। तो ये है हमारा रो इक्वल्स वन, ये हमारा फर्स्ट रो है। अब ठीक इसी तरह से हम सेकेंड रो में भी डेटा एंटर कर लेते हैं, रो वन एंड कॉलम इक्वल्स वन। अब ये है रो टू एंड कॉलम इक्वल्स वन, क्योंकि हमारे इस टेबल में सिर्फ इस टेबल में दो रोज हैं एंड एक कॉलम है, टू रोज एंड वन कॉलम, इसके डायमेंशन है टू रोज एंड वन कॉलम। तो ये हमारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और ये हमारा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो का इंडेक्स हो जाएगा वन, फर्स्ट रो का इंडेक्स था जीरो, तो सेकेंड रो का इंडेक्स हो गया वन, और कॉलम तो हमारा फर्स्ट है जिसका इंडेक्स है जीरो। और यहाँ पे हम ताजमहल की जगह कोई और कीवर्ड एंटर कर लेते हैं, इंडिया गेट कर लेते हैं, और ये मेथड रिटर्न करता है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एरे। तो हम इस एरे को रिटर्न कर देते हैं। अब ये हमारा सर्च डेटा प्रोवाइडर मेथड कंप्लीट हो गया। हम दो कीवर्ड सर्च करेंगे, पहला कीवर्ड है ताजमहल और दूसरा कीवर्ड है इंडिया गेट। गूगल के वेब पेज पे हमें ये दो कीवर्ड सर्च करने हैं। अब हमारा कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब हम एक बार कोड को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सेटअप मेथड को एग्जीक्यूट करना है, हर टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें ये सेटअप मेथड एग्जीक्यूट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एट द रेट बिफोर मेथड एनोटेशन यूज किया है सेटअप मेथड के लिए। उसके बाद हमारा टेस्ट मेथड के लिए हमने यहाँ पे एट द रेट टेस्ट एनोटेशन यूज किया है, और ये जो टेस्ट मेथड को पैरामीटराइज करने के लिए हमने यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर यूज किया है। ये टेस्ट मेथड एक कीवर्ड एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, इस कीवर्ड को ये टेस्ट मेथड सर्च करेगा गूगल के वेब पेज पे। तो जो भी कीवर्ड हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास करेंगे वो कीवर्ड गूगल के वेब पेज पे यहाँ पे सर्च होगा। सर्च ऑपरेशन के लिए हमने ये स्टेटमेंट्स राइट किए हैं। उसके बाद टेस्ट मेथड को जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहा है वो डेटा प्रोवाइडर मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब चूंकि ये मेथड एक डेटा प्रोवाइडर मेथड है, इसलिए हमने यहाँ पे एट द रेट डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन यूज किया है, और फिर उसका हमने नाम भी यहाँ पे दिया है सर्च डेटा प्रोवाइडर। अगर हम यहाँ पे नेम ना दें सर्च डेटा प्रोवाइडर के साथ, अगर हम यहाँ पे नेम ना दें, ये हम अगर एम्प्टी छोड़ दें, तो जो मेथड का नाम होता है वही डेटा प्रोवाइडर का नाम अपने आप ऑटोमेटिकली टेस्ट एनजी एज्यूम कर लेता है, इस नाम को ही डेटा प्रोवाइडर का नेम वो ले लेता है। तो ये है हमारा डेटा प्रोवाइडर मेथड का कोड। इसमें हमने एक टू डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसमें हमने अपना सर्च डेटा स्टोर किया है। सबसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है ताजमहल, फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है इंडिया गेट, और हमने एरे को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। और टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूट होने के बाद ये है टियर डाउन मेथड, जिसमें हमने ड्राइवर को क्विट कर दिया। अब हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद हमें इस टियर डाउन मेथड को एग्जीक्यूट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे एट द रेट आफ्टर एनोटेशन यूज करेंगे। तो ये वाला मेथड हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा, और बिफोर मेथड ये हर टेस्ट मेथड के पहले एग्जीक्यूट होगा। अभी तो इस क्लास में हमारे पास एक ही टेस्ट मेथड है, अगर इस क्लास में मल्टीपल टेस्ट मेथड होते तो हर टेस्ट मेथड के
पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होता और हर टेस्ट मेथड के बाद आफ्टर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होता। अभी हमारा कोड हो गया कंप्लीट, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। अब टेस्ट एनजी में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम राइट क्लिक करके भी डायरेक्टली यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हम इसको एक्सएमएल फाइल से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक्सएमएल फाइल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जिस भी क्लास को एग्जीक्यूट करना है, जिस भी टेस्ट केस क्लास को एग्जीक्यूट करना है, उस क्लास को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर राइट क्लिक करने के बाद टेस्ट एनजी, देन कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। अब इस डायलॉग बॉक्स में हमें लोकेशन देना है कि कहाँ पे हमें टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल जनरेट करना है। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्राउज करके आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट लोकेशन ही ले रहा है। उसके बाद है स्वीट नेम, उसके बाद है टेस्ट नेम, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्वीट नेम और टेस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। और ये है एक्सएमएल फाइल का प्रीव्यू। अभी मैं फिनिश पे क्लिक कर रही हूँ जिससे कि हमारा एक्सएमएल फाइल जनरेट हो जाए। अभी यहाँ पे मुझे ये मैसेज पॉपअप हुआ है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल एग्जिस्ट करती है, तो मुझे उसको करना है ओवरराइट, तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, तो मेरी टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल यहाँ पे ओवरराइट हो गई। तो ये रही हमारी टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे एक्सएमएल फाइल पे एंड देन रन एज टेस्ट एनजी स्वीट, और कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, ब्राउजर ओपन हो गया, ये फर्स्ट कीवर्ड सर्च हो गया, उसका रिजल्ट ये रहा, सेकंड कीवर्ड का सर्च शुरू हो गया इंडिया गेट, उसका रिजल्ट ये रहा, और ब्राउजर क्विट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट का रिजल्ट, ये रहा ग्राफिकल टेस्ट का रिजल्ट, सबसे पहला कीवर्ड ताजमहल के लिए और फिर दूसरा इंडिया गेट के लिए, दोनों कीवर्ड के लिए हमने सर्च ऑपरेशन परफॉर्म किया, ताजमहल के लिए भी और इंडिया गेट के लिए भी। तो हमारे पास दो कीवर्ड्स थे, दो टेस्ट डेटा था, पहला था ताजमहल और दूसरा था इंडिया गेट। तो इस तरीके से हम डेटा प्रोवाइडर यूज करके टेस्ट एनजी में हम टेस्ट केस को पैरामीटराइज करते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर मेथड में जो हमने टेस्ट डेटा यूज किया, ये हमने हार्ड कोडेड डेटा यूज किया है, ताजमहल इंडिया गेट ये हार्ड कोडेड डेटा है। हमें ये हार्ड कोडेड डेटा यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है डेटा एक्सेल फाइल्स, हमारा डेटा का सोर्स है एक्सेल फाइल। तो एक्सेल फाइल को हैंडल करने के लिए, एक्सेल फाइल को मैनिपुलेट के लिए, एक्सेल फाइल को हैंडल करने के लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अपैची पीयूआई लाइब्रेरी। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक्सेल फाइल को हम किस तरीके से रीड करते हैं, अपैची पीयूआई लाइब्रेरी यूज करके। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो एक्सेल फाइल के मैनिपुलेशन के लिए हम यूज करेंगे अपैची पीयूआई लाइब्रेरी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपैची पीयूआई की हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी है पॉम डॉट एक्सएमएल में। अपैची पीयूआई को प्रोजेक्ट में हमें कॉन्फिगर करना है, तो कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमें ऐड करनी है पॉम डॉट एक्सएमएल में, दो डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी है। तो वो दो डिपेंडेंसीज हैं पीयूआई की डिपेंडेंसी, पहली डिपेंडेंसी, और दूसरी डिपेंडेंसी है पीयूआई ऊ डॉट एक्सएमएल की डिपेंडेंसी। ये दोनों डिपेंडेंसी आपको मेवन रिपोजिटरी मिल जाएगी, वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो ये डिपेंडेंसी मैंने यहां से कॉपी कर लिया, इसे मैं एज इट इज पॉम डॉट एक्सएमएल में पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर मैंने इन दोनों डिपेंडेंसी को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको सेव किया कंट्रोल एस करके, जिससे कि सारी डिपेंडेंसी अपैची पीयूआई की हमारे प्रोजेक्ट में कॉन्फिगर हो जाए। मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं, हम एक्सेल फाइल में कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं, सर्च डेटा हम एंटर कर लेते हैं एक्सेल फाइल में। तो मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट की हुई है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है डेमो टेस्ट मेवन प्रोजेक्ट, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल है सर्च डेटा फाइल, इस फाइल में मैंने कुछ सर्च डेटा राइट किया हुआ है। तो जब हम ये वर्कबुक ओपन करेंगे, एक एक्सेल की फाइल है तो ये एक वर्कबुक है, जब हम वर्कबुक ओपन करेंगे तो इस वर्कबुक में एक शीट है, शीट का नाम है शीट वन, इस शीट वन के अंदर हमारा टेस्ट डेटा है। तो इस शीट में जो सबसे पहला कॉलम है ये है हमारा हेडिंग कॉलम, जिसमें हमने राइट किया है कीवर्ड वन, इसमें कीवर्ड वन या अगर हम सिर्फ कीवर्ड ही राइट कर देते, ये हमारा हेडिंग कॉलम है, और ये दो है हमारे टेस्ट डेटा, ताजमहल एंड लाल किला, ये दो है हमारे टेस्ट डेटा। तो इन दोनों टेस्ट डेटा को यूज करके हमें अपने स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करना है, और ये दो टेस्ट डेटा हमें गूगल पे सर्च करना है, ये हमारा टेस्ट डेटा। तो हमारे फाइल का नाम है सर्च डेटा फाइल है ये, और ये एक वर्कबुक है, और इस वर्कबुक के अंदर एक शीट है शीट वन, और इस शीट के अंदर हमारा टेस्ट डेटा है ताजमहल और दूसरा है लाल किला। तो हम ऐसा करते हैं, हम अपने इस क्लास में हम एक मेथड क्रिएट करते हैं फाइल से डेटा को रीड करने के लिए, एक्सेल फाइल से डेटा को रीड करने के लिए यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक, और ये मेथड है
ये मेथड फाइल से डेटा को रीड करने के बाद एक स्ट्रिंग एरे में रिटर्न करेगा। डेटा को रीड करने के बाद फाइल से वो एक स्ट्रिंग एरे रिटर्न करेगा ये मेथड। तो यहाँ पे हम एक रिटर्न डाल देते हैं स्ट्रिंग एरे टाइप का, ये टू डायमेंशनल स्ट्रिंग एरे रिटर्न करेगा ये मेथड फाइल से डेटा को रीड करने के बाद। और फिर दे देते हैं मेथड का नाम, गेट एक्सेल डेटा दे दिया हमने मेथड का नाम। अब ये मेथड दो पैरामीटर चाहिए इस मेथड को। पहला पैरामीटर चाहिए फाइल का नाम कि किस फाइल से डेटा उसको रीड करना है और उस फाइल में किस शीट से रीड करना है। तो पहला फाइल का नाम और दूसरा शीट का नाम। तो यहाँ पे हम दो पैरामीटर क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, एक पैरामीटर फाइल के नाम के लिए और दूसरा पैरामीटर शीट के नाम के लिए, कौन सी फाइल से रीड करना है और कौन सी शीट से रीड करना है। तो पहला पैरामीटर फाइल नेम के लिए और दूसरा पैरामीटर शीट नेम के लिए। अब इस मेथड के अंदर हम एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट होगा स्ट्रिंग। अब ये टू डायमेंशन एरे हमने क्रिएट कर लिया, एरे का नाम दे देते हैं डेटा इक्वल्स नल दे दिया हमने, इनिशियलाइज कर दिया नल से। और ये मेथड रिटर्न करेगा इस स्ट्रिंग एरे को। तो यहाँ पे हम एक रिटर्न स्टेटमेंट भी राइट कर देते हैं, रिटर्न डेटा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फाइल को रीड मोड में ओपन करने के लिए हमें फाइल इनपुट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। हमारा स्टेटमेंट होगा फाइल इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं इनपुट स्ट्रीम इक्वल्स न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे हम पास कर देते हैं। लास्ट में सेमीकॉलन से स्टेटमेंट एंड, और इसको हम ले लेते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। पहले इसका हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में ले लेते हैं। अपैची पीओआई में एक्सेल फाइल के मैनिपुलेशन के लिए हमारे पास काफी सारी क्लासेस हैं। तो वर्कबुक को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास XSF वर्कबुक क्लास है। तो सबसे पहले हम वर्कबुक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं क्रिएट XSSF वर्कबुक, ऑब्जेक्ट फॉर एक्सेल फाइल मैनिपुलेशन। तो हमारा स्टेटमेंट होगा XSSF वर्कबुक, वर्कबुक वेरिएबल का नाम दे देते हैं वर्कबुक इक्वल्स न्यू, फिर क्लास का नाम और ब्रैकेट में यहाँ पे हम देंगे इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम दे दिया हमने ब्रैकेट में। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया XSSF वर्कबुक क्लास का। और यहाँ पे एक्सेप्शन कर देते हैं। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इस वर्कबुक के अंदर हमें इस शीट को एक्सेस करना है। और हमारी शीट का नाम है शीट वन। तो हमारा स्टेटमेंट होगा वर्कबुक डॉट गेट शीट मेथड यूज करेंगे। इसमें हम देंगे शीट का नाम। तो शीट का नाम हमें कहाँ से मिलेगा, शीट का नाम हमने यहाँ से ले लिया। यहाँ पे जो भी मेथड में जो भी शीट का नाम आएगा वो शीट का नाम यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अभी इस शीट के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है रोज में और सेल में। इस शीट के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है सेल्स में। सेल कहाँ है, रोज के अंदर है। ये फर्स्ट रो में है, रो की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। ये है जीरोथ रो, ये है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल में हमारा ताजमहल कीवर्ड है, फर्स्ट सेकेंड रो के फर्स्ट सेल में लाल किला है। तो हमें सेल को एक्सेस करना है। तो सेल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे,
पहले तो वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर शीट, फिर शीट के अंदर रो, फिर रो के अंदर सेल। तो सेम एग्जैक्टली यही नेविगेशन हमें फॉलो करना है। शीट तो हमने एक्सेस कर लिया, शीट के बाद हमें रो को एक्सेस करना है, फिर रो से हम सेल पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ रोज का काउंट। तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पे हमें शीट क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो शीट क्लास का नाम है एस एस एक्स एस एस एफ शीट, इसका भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इक्वल्स शीट के ऑब्जेक्ट का नाम, सॉरी एक्सेल शीट दे दिया इक्वल्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ये शीट रिटर्न करेगा, ये स्टेटमेंट शीट रिटर्न करेगा। इस शीट को हमने एक्स एफ एफ एस शीट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने स्टोर कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमें रो को एक्सेस करना है, क्योंकि रोज कहाँ है, वो इस शीट के अंदर है। सॉरी, ये रहा हमारे शीट क्लास का ऑब्जेक्ट। डॉट गेट लास्ट रो, डॉट गेट लास्ट रो नंबर। तो इससे इस मेथड को हम यूज करेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए। तो रोज की इंडेक्सिंग इसमें जीरो से स्टार्ट होती है, रोज की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। तो हमें यहाँ पे कितने रोज मिलेंगे, जीरो वन जीरो वन एंड टू। तो यहाँ पे हमें रो का काउंट मिलेगा टू, लेकिन हमें रो का काउंट थ्री चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास थ्री रोज है, एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे थ्री रोज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस वन कर देते हैं, और ये रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ रोज। तो उसको हम एक रो के लिए हम एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, टोटल रोज। तो यहां हमें मिल गया टोटल नंबर ऑफ रोज। अब हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स के लिए हमें क्या करना है, हम किसी भी रो का, जीरोथ रो का, फर्स्ट रो का या सेकंड रो का हम टोटल नंबर ऑफ सेल काउंट कर लेंगे। तो हम जीरोथ रो का हम टोटल नंबर ऑफ सेल काउंट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेल जीरोथ रो में कितने हैं, एक है। सेकंड रो में भी एक ही रो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है। तो हर रो में हमारे पास एक ही सेल है जिसमें हमारा डेटा स्टोर्ड है, हर रो में हमारे पास एक ही सेल में डेटा स्टोर्ड है। जीरोथ रो में भी हमारे पास एक ही कॉलम है इसलिए हमारे पास एक ही सेल है, सेकेंड रो में भी एक ही कॉलम है इसलिए एक ही सेल है। तो पूरे रोज में हमारे पास एक ही सेल है, इसलिए हम किसी भी रो का हम लास्ट सेल नंबर हम ले लेते हैं, किसी भी रो का हम लास्ट सेल नंबर ले लेते हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएंगे। तो हमारा स्टेटमेंट होगा इंटीजर का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर टाइप का, टोटल सेल्स के लिए इक्वल्स शीट का रेफरेंस वेरिएबल डॉट गेट रो, और किसी भी रो का हम टोटल नंबर ऑफ सेल्स, लास्ट सेल नंबर हम काउंट कर लेते हैं। किसी भी रो का हम काउंट कर लेंगे गेट लास्ट सेल नंबर, तो इससे हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स। अब आप सेल्स कह लीजिए या फिर आप कॉलम कह लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है और एक ही सेल है। तो यहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज भी मिल गए और हमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स भी मिल गए। अब हमें क्या करना है, हमें इस शीट में हमें सेल से डेटा को रीड करना है, और सेल हमारा कहाँ है, रो के अंदर है। तो हम इसमें हम लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, आउटर फॉर लूप यूज करेंगे हम रो के काउंटर को मेंटेन करने के लिए, और इनर फॉर लूप यूज करेंगे हम सेल के काउंटर को मेंटेन करने के लिए। तो हमारा स्टेटमेंट होगा फॉर इंट करेंट रो इक्वल जीरो। अब इसमें हम अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये कीवर्ड भी रीड हो जाएगा, लेकिन हमारा डेटा तो यहाँ पे, हमारे जो डेटा है वो हमारा सेकेंड रो से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा जीरोथ रो और ये हमारा फर्स्ट रो, तो डेटा हमारा फर्स्ट रो से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम काउंटर को भी हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। करेंट रो इज लेस देन, करेंट रो इज लेस देन टोटल रोज। अब टोटल रोज हमारे थ्री हैं, तो वन टू एंड थ्री, तो वन एंड टू तक लूप चलेगा, पहले वन और दूसरा टू।
तो करंट रो की वैल्यू पहले 1 रहेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको हम करंट रो को इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये लूप 2 बार रन होगा। तो ये तो हमारा आउटर फॉर लूप हो गया रो के लिए। अब इनर फॉर लूप हम सेल के लिए मेंटेन करेंगे। फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, इंट करंट सेल इक्वल्स, करंट सेल इक्वल्स 0, करंट सेल लेस देन टोटल सेल्स, और इसको भी हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे ये एरर क्यों है, यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल आई इंडेंटेशन के लिए। तो ये था आउटर फॉर लूप रो के लिए, और ये है इनर फॉर लूप सेल के लिए। अब यहाँ पे हमें डेटा को रीड करना है और हमें एरे में स्टोर करना है, जो हमने स्ट्रिंग एरे क्रिएट किया है इसमें हमें स्टोर करना है डेटा को रीड करके। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट भी राइट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या प्रिंट स्टेटमेंट की वैसे ज़रूरत नहीं, हम सीधा डेटा को ही रीड कर लेते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट रो है जीरोथ रो, तो करंट रो माइनस 1, क्योंकि ये तो एरे है इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी और हमने यहाँ पे इसको 1 से स्टार्ट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, जिससे कि जो भी इंडेक्स है उससे यहाँ पे माइनस 1 हो जाए। और कॉलम सेल का ले लेते हैं इक्वल्स, यहाँ पे हमें टेस्ट डेटा चाहिए एक्सेल फाइल से, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा शीट का नाम, शीट का रेफरेंस ऑब्जेक्ट सॉरी, डॉट गेट रो, शीट के अंदर रो है तो गेट रो, कौन सा रो, जो भी करंट रो है, शीट देन रो, रो के बाद गेट सेल, गेट सेल विच सेल, जो भी करंट सेल है, करंट सेल डॉट टू स्ट्रिंग, या तो हम टू स्ट्रिंग कर लें या फिर हम एक और इसमें आता है गेट स्ट्रिंग डेटा, एक मेथड होता है गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, क्योंकि जो डेटा है वो हमारा स्ट्रिंग डेटा है, तो यहां पे हमने गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू मेथड को हमने यूज किया, या फिर हम टू स्ट्रिंग मेथड भी यूज कर सकते थे। तो अब इस मेथड से, अब इस स्टेटमेंट से हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाएगी, जो भी सेल में यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न है वो स्ट्रिंग हमें इस मेथड से मिल जाएगी, और उसके बाद हमने उस स्ट्रिंग को हमने एरे में स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से सारे रो में, हर रो के लिए, हर सेल के लिए हमने हर सेल का डेटा हमने इस स्ट्रिंग एरे में हमने स्टोर कर लिया, और इस स्ट्रिंग एरे को हम रिटर्न लास्ट में हम रिटर्न कर दे रहे हैं। जब सारा हमारा एरे ये जो स्ट्रिंग एरे ये फिल हो जाएगा कंप्लीट एक्सेल डेटा से, तो उसके बाद लास्ट में हमने इसको रिटर्न कर दिया कॉलिंग मेथड को। अब हमें इस मेथड को यूज करना है, इस मेथड को हमें यूज करना है। यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है, दिस वर्कबुक इज नेवर क्लोज्ड, तो इसको हम क्लोज भी कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा काम सारा वर्कबुक का फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो उसको हम कहाँ क्लोज कर दें, इस लूप के बाद हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं डॉट क्लोज, वर्कबुक हमने क्लोज कर दिया। तो आई होप हमारा ये मेथड है ये हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सेल डेटा को रीड करने का मेथड हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इस मेथड को हमें यूज करना है डेटा को फेच करने के लिए डेटा प्रोवाइडर में। अब यहाँ पे हम हार्ड कोडेड वैल्यू यूज नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम इस मेथड को यूज करेंगे डेटा को रीड करने के लिए एक्सेल फाइल से।
तो यहाँ पे जो ये हार्ड कोटेड वैल्यूज है इनको हम कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। और ये ऑब्जेक्ट एरे तो हमें चाहिए, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब इक्वल साइन के बाद अब इस एरे में हमें फाइल से डेटा को रीड करना है, तो हम फाइल, तो हम मेथड को कॉल करते हैं। मेथड का नाम है गेट एक्सेल डेटा। अब यहाँ पे हमें फाइल का नाम देना है और हमें शीट का नाम देना है। तो फाइल का नाम हमें कहाँ से मिलेगा? फाइल का नाम हमें चाहिए, पाथ चाहिए फाइल का कंप्लीट। तो इस पे हमने राइट क्लिक किया, ये हमारी फाइल टेस्ट डेटा फाइल है ये हमारी, ये रहा फाइल का पाथ। इसको यहां से हमने कॉपी कर लिया और यहां हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, फाइल नेम इक्वल्स, और ये पाथ हमने यहां पे पेस्ट कर दिया। और यहां पे शीट का नाम, शीट का नाम है सर्च डेटा डॉट एक्स एल एस एक्स। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सर्च डेटा सर्च डेटा एक्स एल एक्स एस, सही डाला हमने फाइल का नाम। और लास्ट में यहां पे हम सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड कर देते हैं। तो ये हमने एक वेरिएबल में फाइल का नाम हमने स्टोर कर लिया और ये फाइल का नाम हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए शीट का नाम, शीट का नाम है शीट वन, तो इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे डबल कोट्स में हम शीट का नाम भी डाल देते हैं एज ए स्ट्रिंग। अब एक कोड हमारा कंप्लीट हो गया, हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो राइट क्लिक किया हमने, रन एज टेस्ट एन जी टेस्ट, या फिर हम एक्सएमएल फाइल से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सएमएल फाइल हमने जनरेट किया था, एक्सएमएल फाइल पे हमने राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट एन जी सूट। अभी कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, आई थिंक हमारे कोड में कुछ एरर है, एरर है जावा लैंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन, डेटा इज नल, डेटा इज नल। चेक करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है कोड में। यहाँ पे हमने एरे डिक्लेयर किया है, हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया है, आई थिंक हमने एरे को इनिशलाइज नहीं किया है इसलिए एरर आ रही है। यहाँ पे हमें एरे को इनिशलाइज भी करना होगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ सेल को फेच करने के बाद हम यहाँ पे एरे को इनिशलाइज करेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ एरे को डिक्लेयर किया है, हमने एरे को इनिशलाइज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे नल पॉइंटर का एरर आ रहा है। अब हम यहाँ पे एरे को इनिशलाइज करेंगे, तो हमारा स्टेटमेंट होगा डेटा इक्वल्स न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स। तो रोज है हमारे टोटल रोज, अब टोटल रोज हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो 2 रोज में ही डेटा है, तो यहाँ पे हम 1 माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे कॉलम्स, कॉलम्स के लिए हमारे पास टोटल सेल्स हैं, तो यहाँ पे टोटल सेल्स हमने डाल दिया। अब हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। तो हमने ये एरर को डिक्लेयर किया था मगर हमने इनिशलाइज नहीं किया था, इसलिए ये एरर आ रहा था नल पॉइंटर एक्सेप्शन का। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, ब्राउजर ओपन हो गया, फर्स्ट टेस्ट डेटा ताजमहल, ब्राउजर क्लोज हो गया, सेकंड टेस्ट डेटा लाल किला, वो भी सर्च हो गया, उसका रिजल्ट भी डिस्प्ले हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम अपने सर्च डेटा फाइल में हम कुछ और डेटा एंटर कर देते हैं, अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 ही टेस्ट डेटा है, हम इसमें और टेस्ट डेटा एंटर कर देते हैं, इंडिया गेट एंड कुतुब मीनार। हमने 2 कीवर्ड्स और ऐड कर दिए, इंडिया गेट एंड कुतुब मीनार, इसको सेव कर दिया एंड क्लोज कर दिया। तो अभी तो जब 2 टेस्ट डेटा थे तो यहाँ पे हमारा टेस्ट केस 2 बार एग्जीक्यूट हुआ था, हमारा
फॉर टू वैल्यूज हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ था, ताजमहल के लिए और लाल किला के लिए। अब हमारे पास फोर टेस्ट डेटा है, मतलब फोर वैल्यूज हैं, तो हमारा ये जो टेस्ट केस है वो चार बार एग्जीक्यूट होगा चारों टेस्ट डेटा के लिए। फाइल को क्लोज कर देते हैं हम, अब इसे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ताजमहल फर्स्ट टेस्ट डेटा, लाल किला सेकंड टेस्ट डेटा, थर्ड टेस्ट डेटा इंडिया गेट एंड फोर्थ टेस्ट डेटा कुतुब मीनार। तो इस बार हमारा जो टेस्ट केस है, जो हमारा टेस्ट मेथड है, वो सर्च कीवर्ड टेस्ट मेथड हमारा फोर टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ फोर डिफरेंट टेस्ट डेटा के लिए, ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट एंड कुतुब मीनार। तो टेस्ट एनजी डेटा प्रोवाइडर यूज करके हम सिंगल टेस्ट केस को सिंगल एग्जीक्यूशन में हम मल्टीपल टेस्ट डेटा से टेस्ट कर सकते हैं। सिंगल एग्जीक्यूशन में हम सिंगल टेस्ट केस में मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ये हमने मल्टीपल वैल्यूज पास की हमने सर्च कीवर्ड टेस्ट मेथड में, और इन सारे वैल्यूज को हमने सिंगल एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेस्ट एनजी डेटा प्रोवाइडर में हम किस तरीके से एक्सेल से डेटा हम रीड करते हैं और सिंगल एग्जीक्यूशन में किस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं सिंगल टेस्ट केस में। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।